देखिए 1 जुलाई से लेकर 31 अगस्त तक जो पवित्र श्री अमरनाथ यात्रा शुरू होने जा रही है उसको पंजीकरण के नाम पर जो वसूली की जा रही है, जो जजिया वसूली की जा रही है उसको निःशुल्क बनाने को लेकर आज शिवसेना नेताओं का एक दल आज हम यहाँ राजभवन पहुँचे हैं। जम्मू कश्मीर के माननीय उप मुखिया जो हैं उपराज्यपाल जी के यहाँ पर गुहार लगाने के लिए आए हैं, जो श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड के चेयरमैन भी हैं। देखिए हम उस देश के अंदर रहते हैं जहाँ पर धार्मिक यात्राओं पर जो है सब्सिडियाँ दी जाती थी, कई राज्यों के अंदर निःशुल्क धार्मिक यात्राओं का आयोजन किया जाता है। केंद्र सरकार हिंदूवादी सरकार होने का दावा करती है मगर उसी केंद्र शासित शासन के अधीन केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के अंदर जो वार्षिक पवित्र श्री अमरनाथ यात्रा है उस पर पंजीकरण के नाम पर 220 रुपये ऑनलाइन पंजीकरण वसूला जा रहा है, जो जिसको हम जजिया कर की श्रेणी के अंदर रखेंगे और जिसके वसूलने के बाद वही मुगल शासकों के शासनकाल की यादें जो है वो ताज़ा हो गई हैं। आज हमारी मांग है कि जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल माननीय मनोज सिन्हा जी से हमने गुहार भी लगाई है, इस पंजीकरण को पूरी तरह से निःशुल्क किया जाए। इसके साथ ही हमारी मांग है जो सड़क मार्ग से जो यात्री आते हैं वो यात्रा दर्शन करने के लिए आ रही है, चाहे टेंट सेवा देने के लिए संस्थाओं के वाहन आ रहे हैं, लंगर सेवा देने के लिए संस्थाओं के वाहन आ रहे हैं, उनको टोल की पूरी तरह से छूट होनी चाहिए। मंदिर परिसर के अंदर जो ठहरने की व्यवस्था की जाती है टेंटों के अंदर वो सुरक्षित व्यवस्था हो और पूरी तरह से निःशुल्क हो। देश के तमाम धार्मिक संगठनों से हमारी अपील है कि हमारी इस मुहिम के साथ जुड़ें, आगे आएं, अपने अपने राज्य के अंदर अपने अपने स्तर के अंदर आवाज बुलंद करें ताकि किसी भी धार्मिक यात्रा पर पूजा या पंजीकरण के नाम पर किसी तरह की वसूली ना हो। आज हम यहां से चेतावनी भी जारी करते हैं कि अगर सरकार ने इसके हक के अंदर हमारी मांगों को नहीं माना तो शिवसेना इसके खिलाफ देशव्यापी आंदोलन छेड़ेगी।